एक दिन लीला बहू अपने सास ससुर पति के साथ टीवी पर योगा देखती है और फैसला करती है। देखा सासू माँ, पिताजी, योगा से कितना फायदा होता है। कल से हम भी फिट रहने के लिए योगा करेंगे। अरे ठीक है बहू। दूसरे दिन सवेरे सवेरे 5 बजे ही वो अपने पति को झिंझोड़ कर उठा देती है। पति घबरा कर उठ बैठता है। अजी उठिए, उठिए ना। हाय, हाँ, हाँ, क्या हो गया? हाय, कौन है? कौन आया? कौन है? अजी कनो आया नहीं है। वो हम आपसे कहे थे ना, कल से योगा करेंगे, तो उठिए, योगा करने चलिए ना। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं जी, हम कह दिए सो कह दिए। उठिए, आप तनिक चलिए, तब तक हम सासू माँ और पिताजी को भी उठा कर लाते हैं। यहाँ लीला जाकर सासू माँ को भी उठाती है, ना उठते देख उन्हें भी झिंझोड़ देती है। सासू माँ, सासू माँ, अरे सासू माँ। अरे अरे, क्या हुआ? काहे मरी जा रही है सवेरे सवेरे? अरे मर ना जाए, ई खातिर ही तो उठा रहे हैं। चलिए योगा करने, हम आपसे कल कहे थे ना रात को। अरे पागल हो गई है का तू? भला इतनी सवेरे सवेरे की ये मीठी नींद में करे कौन योगा करता है? अरे योगा सवेरे सवेरे ही तो करते हैं। चलिए उठिए, अरे पिताजी उठिए। अरे हम तो वैसे ही उठ रहे थे, सवेरे जल्दी जल्दी उठकर पूजा जो करते हैं। पूजा पाठ बाद में, योग अभ्यास पहले। चलिए सासू माँ उठिए, उठिए, नहीं तो बता देते हैं, हम गुदगुदी कर देंगे। हाँ हे नास पीटी, आग लगे तो हो रहे योगा में। चलो जी योगा शोगा फूके जाके। और वो सास ससुर को भी नींद में चलाती हुई अपने पति के पास आंगन में ले जाती है। ईका, हमारे बिटवा की भी नींद खराब कर दी तुम। बचपन से कितने प्यार से सवेरे की मीठी मीठी नींद सुलाते आए हैं हम हमारे लाडले को। अरे हाँ सासू माँ, तभी तो आपके लाडले लड्डू जैसे हो गए हैं, गोल मटोल। चलिए योगा शुरू करते हैं। और वो उसे जबरदस्ती योगा करवाती है। योगा के आसन करने के चक्कर में उनके हाथ पैर मरोड़ देती है, तड़ा तड़ हड्डी की आवाज आती है, तीनों ही कराहते हैं। अरे अय्या, आई जरा संभल के, बुढ़ी हड्डियां है कलमू ही। कौनो चिंता नहीं, आज के बाद जवान हो जाएंगी सासू माँ। योगा करके तीनों ही बुरी तरह थक जाते हैं, ढीले से हॉल में पड़े हैं। तभी मोहल्ले की औरतें बहू से बात करने आती हैं, तो वो कहती है, देखो पायल बहन, अगर हमसे गप्पे लड़ानी है ना, तो हमारे साथ योगा करते करते गप्पे करो, फिटनेस भी रहेगा, बातें भी हो जाएगा। क्या कहती हो विद्या बहन? अरे बाबा, योगा और हम? ना बाबा ना, हमसे हमारा बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करने को नहीं होता है। हम तो पार्टी मारकर खा भी नहीं सकता। वो सब हम सिखा देंगे आपको, घबराने का कौनो जरूरत नहीं। अरे हम करवाएंगे ना, हम तो बुढ़ों से भी योगा करवा लेते हैं। अरे बाबा, हम किधर बुढ़ा है? मैं तो इससे भी जवान हूँ। अरे तभी तो कह रहे हैं, और जवान हो जाओगी। चलो अभी से योगा करते करते गप्पे करते हैं। और वो उनसे भी जबरदस्ती योगा करवाती है। योगा करने के बाद पूरा दिन वो थकी थकी महसूस करती है, घर के काम में उसका मन नहीं लगता। ए जी, हम बहुत थक गए हैं, घर का काम मन नहीं लग रहा, खाने पीने का कुछ बाहर से ही ले आइए ना। अरे बाहर जाने लायक थोड़ी कहाँ हो तुम? हमें योगा आसन में हाथ पैर मोड़ कर सब तो तोड़ कर रख दियो। तो क्या कहते हैं? हाँ हाँ, हम डिलीवरी मंगवा लो। अरे मैया, एक और फालतू का खर्चा।
दूसरे दिन फिर से वो अपने पति सास को उठा देती है, उनसे जबरदस्ती योगा करवाती है। योगा करवाते हुए पति का एक पैर पकड़कर उसकी गर्दन में जबरदस्ती डाल देती है। वो दर्द से चीखता है, पर वो पैर गर्दन में डाल देती है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो फुटबॉल की तरह लुढ़कता हुआ जाकर टेबल से टकराता है और चीख उठता है। तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुमसे तो अच्छी सासू माँ है। हाय हाय राम, ईका हमारा तो हाथ ही टूट गया। अरे अब हम घर का काम कैसन करेंगे। और सचमुच इसके बाद सासू माँ का घर का काम और पति के ऑफिस का काम बंद हो जाता है। अरे ऑफिस नहीं जाएंगे तो पगार कैसे मिलेगा। अरे खाएंगे का, पिताजी तो वैसे ही योगा से थक कर कतों जाते वाते हैं नहीं, कहीं पूजा पाठ करने भी नहीं जाते हैं कि कोनो खर्चा पानी मिले। ए बिंधवातनी मैया, ए ओग ओग करने के चक्कर में हमारा तो कुल ग्रह चौपट हो गया है। अब घर के बाहर का काम भी करने बहू को ही जाना पड़ता है। वो जैसे ही मोहल्ले में आती है, मोहल्ले की औरतें पायल, विद्या, कृष्णा खन्ना उसे देखते ही छुप जाती है। ओ जी छुप जाओ, जी छुप जाओ। हाई शो थायो कृष्णा बहन। ओरे बाबा वो देखो ना, पांडे जी का बहू आ रहा है, आते ही अभी योगा करवाएगा, छुप जाओ छुप जाओ। यहाँ पुण्या अपने माँ बाप को संभाले कराहता हुआ खाने के लिए पीछे चटाई पर आता है। ए अम्मा, अम्मा बहुत भूख लगी है हो। आई हमें भी बेटा। अरे बहू ला कुछ बढ़िया सा खिला दे रही। हाँ, अब तो तुम ही एक सहारा हो हम बुढ़ाओ का। अरे ये क्या है बहू, इंसानों का खाना है या जानवरों का चारा। और ये का, अरे ये हमार सब्जी कैसन है, इस सब्जी में तेल नहीं है। हाँ? ये बिना आयल का खाना है, योगा करने वालों को आयली खाना नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना। और पिताजी सासू माँ, ई चारा नहीं, सेहत की खातिर बढ़िया खाना है। उम्र के हिसाब से योगा करते हुए आपकी हिस्से में ई है खाना लिखा है, और ई है खाबे के बाद का शरबत। इका योगा की भाषा में शरबत कहते हैं, हकीकत में ई काढ़ा है। स्वाद खराब कर दी तू यार। तो का सवेरे सवेरे ई शरबत तूने दूसरी मोहल्ले की औरतों को भी पिलाया था का। हाँ। हे भगवान, तभी सभी अपने अपने घर में पड़ी करा रही हैं। कोई डॉक्टर को बुलाने वाला भी नहीं है, पति बच्चे ऑफिस और स्कूल गए हैं, और ये कहीं उनको कुछ हो गया तो। हे भगवान बचा ले सबको हमारी इस बहू से। का ये बात है तो पहले का नहीं बताए, योगा का कोई और आसन करवा के ठीक कर देते। अरे आग लगे तुहरे योगा के हो, ए जा डॉक्टर के बुला भाई, कदम क्यों मर मराई गवा तो लेने का देने पड़ जाए। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है का। और घबरा कर बहू बाहर की ओर भागती है, जहां मोहल्ले में अपनी जगह पर बैठे दादाजी मिलते हैं। उसे हड़बड़ाई सी आई देख वो पूछते हैं, अरे लीला बहू कहां भागी जा रही है, हां घर में सब ठीक तो है। घर में तो थोड़ा बहुत ठीक है, पर मोहल्ले में सब ठीक नहीं है दादाजी। हम डॉक्टर को बुलाए खाते जा रहे हैं, वो योगा कर कर के और काढ़ा पी पी के पायल, विद्या, कृष्णा खन्ना की तबीयत बुरी तरह खराब हो गया है। मेरे पुण्य जी कह रहे थे अगर डॉक्टर को नहीं बुलाया तो। अरे घबराओ मत बहू, मैंने डॉक्टर बुलाया था, वो उनका इलाज करके दवा दे के जा भी चुका है। सच्ची दादाजी, अब उन सबन का कुछ ना हुए। नहीं बहू, अगर तुम इनका इलाज करोगी तो। हम कैसे कर सकते हैं? इन सभी को जो भी पसंद है वो खिलाओ, पर कम खिलाओ, एक्सरसाइज करवाओ पर कम करवाओ,
और धीरे धीरे जब उनके शरीर को एक्सरसाइज सहने, फिटनेस की खुराक खाने की आदत लग जाएगी, तब इन्हें फिटनेस वाली वो चीजें ज्यादा खिलाना शुरू करना। एक ही दिन में तुम इन सब की क्वांटिटी बढ़ा दोगी तो कैसे चलेगा है? हाँ दादाजी, एक बात तो हमारी समझ में आ गया है, फिट रहना जरूरी है, पर फिटनेस के नाम पर अपने या दूसरों के शरीर को टॉर्चर करना समझदारी नहीं है। एक दिन मोहल्ले में एक अजनबी जवान लड़की को देख कृष्णा के साथ उसके आंगन में गप्पे मारती खड़ी विद्या चैटर्जी, वैजंती, पायल मेहता आपस में बातें करती है। लड़की कौन है? मोहल्ले में नई आई लगती है जी। ओए होए, अपनी आँखों का इलाज करा। ए लड़की नहीं, औरत है, औरत। अपने दक्षिणा पांडे है ना, वो अपनी मीरा बहन जी, उसके देवर दी बहू है। उड़ी बाबा, ये बहू है, और ये बहू को ससुराल में ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। है वो भी अपने ससुराल में हो तो एक बात सह ले, ये तो उसके बड़े ससुर का घर है न, यहाँ भी ऐसे। अब मेरे को देख लो, मेरे घर में सास ससुर कोई भी नहीं है, फिर भी हूँ वहूनी जेम साड़ी माज रहूं छू। आयो हम भी वही बोलता जी, पर ये मीरा बहन उसको कुछ नहीं बोलता है। ओए वो भी सोचती होंगी कि बोल के की फायदा, कुछ दिन आदि ता मेहमान है। उड़ी बाबा, ये का बोलता है तुम? उसको कोई जानलेवा बीमारी है जो वो कुछ दिन का मेहमान है। ओ नहीं नहीं, मेरा मतलब कि वो इत्थे कुछ कम से आई है, कम हो गया तो चली जाएगी। अब वो कम 2 हफ्ते में भी हो सकता है, 2 महीने में भी, और 2 साल में भी। आयो अगर 2 साल में होना हो तो उसे हमारे रंग में रंग जाना चाहिए। दूसरे दिन बहू मोहल्ले में सब्जी खरीदने जाती है, जहां उसे सब्जी खरीदते हुए बाकी औरतें भी मिल जाती है। ये लो कृष्णा बहन, आपकी सब्जी। काका हमें भी सब्जी दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं ले लीजिए, अब बताइए क्या चाहिए आपको। 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज भी देना, 1 किलो आलू भी देना। हाँ लगता है मोहल्ले में नई नई आई हैं और आप काफी पढ़ी लिखी भी लगती हैं। आपको कैसे पता काका? आपने थैले में सबसे नीचे टमाटर रखा, ऊपर उस पर 1 किलो प्याज और ऊपर 2 किलो आलू रखा, इसी से पता चलता है कि आप काफी पढ़ी लिखी हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ओए जरा एक टमाटर निकाल के देख, तेनु पता चल जाएगा इसमें हंसने वाली की बात है। छी। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बुरा तो समझा। वही तो जी, वरना ना रहने का ढंग, ना पहनने का ढंग, ना सब्जी पकाने का ढंग, ना। उड़ी बाबा, ए अब तुम बश करो बश। हाँ, किस किस को तुम ना करेगा? हाँ, बाकी हाँ ना, इसके बड़ी सास को करने दो ने, मीरा बहन को। हाँ? चाल भी देखो कैसी है। अरे घर की बहू को ऐसे हिरनी की तरह कूद कूद कर नहीं चलना चाहिए। अविशु बोलिए ने। दोपहर को बहू कपड़े धोने की कोशिश में उसमें साबुन रगड़े जा रही है, रगड़ते रगड़ते साबुन खत्म कर देती है, फिर दूसरा निकालती है, तभी मीरा पांडे आती है। है ये क्या कर रही है, साबुन पे साबुन रगड़े जा रही है, ये आधा घंटे में तीसरा साबुन। कपड़ा साफ नहीं हो रहा तो साबुन तो लगाना पड़ रहा है। हाय मोरी मैया, ये सिर्फ साबुन घिसने से कपड़ा साफ नहीं होता है, थोड़ा सा साबुन लगा और इस थापी से पीट, फिर थापी से पीट पीट कर कपड़ा साफ करते हैं, समझी का? हाय हाय, पता नहीं क्या होता होगा हमारी देवरानी का, कैसे झेलती होगी इस बहू को। अरे ये तो अभी भी गंदा है, और पीटना पड़ेगा। ए फूटी किस्मत हमारी, क्या कर रही है? आपने ही तो कहा था बड़ी सासू माँ, कपड़ा साफ करने के लिए पीटना चाहिए। हाय रे, इतना भी कोई पीटता है का? मेरे पति का नया कुर्ता फाड़ दी तुम, चल जा जा यहाँ से, जा अपने कमरे में, तू अपना काम कर, जा जा भाग यहाँ से भाग। नहीं आंटी, हमारी बहू इधर आई। हाँ हाँ, वो वहाँ है सामने। नहीं आंटी,
आप रो रही हैं? अरे देखो देखो, हमारे यहाँ आई नई आंटी रो रही है। अरे हाँ, नई चाची तो रो रही हैं, मगर समस्या है। अरे फिर तूने बीच में अपनी समस्या की बॉलिंग की, अब इसमें क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये बताएंगी नहीं कि क्यों रो रही हैं। ओए कैसे नहीं बताएंगी, बताएंगी तभी तो हम इनकी हेल्प करेंगे। तुम लोग मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप बताओ तो सही। मैंने शहर में कोई काम नहीं किया, इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए सभी मुझ पर हंसते हैं, मेरे रहन सहन पर हंसते हैं, मेरे पहनावे पर हंसते हैं। लो, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस तो काम करते करते आता है ना, आपको भी आ जाएगा। यहाँ के लोगों को उठते बैठते देख के रहन सहन भी आ जाएगा, और रहा पहनावा तो। ओए तो क्या, जैसा देश वैसा भेष। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल की ड्रेस पहनते हैं, घर पर रहते हैं तो घर की ड्रेस पहनते हैं, खेलने जाते हैं तो स्पोर्ट्स की ड्रेस पहनते हैं। वैसे ही जैसे हमारी मम्मी और आंटियां पहनती हैं, वैसे ही आप भी पहनना शुरू कर दो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, वैसा ही करती हूँ। और वो वैसा ही करती है, अपने घर जाकर जल्दी जल्दी साड़ी पहनती है और मोहल्ले में निकलती है। आयो, ये क्या पहन रखा है जी? साड़ी जैसा आप लोग पहनते हो। उड़ी बाबा, ओ मैशे पहनता है, हमको तो आज तक मालूम ही नहीं था। ओ लो जी, कर लो गल, इसको तो साड़ी पहनने का ढंग भी नहीं है। तौबा तौबा, अल्लाह का शुक्र है कि साड़ी ही पहनी है, कुछ और नहीं पहना। टमाटर के ऊपर प्याज और आलू रखने वाली से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं भला। हाँ दादाजी, देखो नई आंटी आज भीड़ हो रही है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? हाँ देखिए ना दादाजी, मैं शहर से आई हूँ, मुझे यहाँ का पता नहीं है। मैं जब शहर के कपड़े पहनती थी तो ये लोग मुझ पर हंसा करते थे, मैंने सोचा गांव के कपड़े पहनूंगी तो ये खुश हो जाएंगे, अब गांव की ये साड़ी पहन कर आई तो भी सभी हंस रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं, शहरी पहनावे का भी मजाक उड़ाते हैं, मोहल्ले के लोग मुझ पर हंसते हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे रहूं? बहू, तुम जैसी भी हो वैसी ही रहो, अगर दुनिया के हिसाब से चलोगी तो कभी सुखी नहीं रहोगी। और तुम लोग क्यों हंस रहे हो इस बेचारी पर, हैं? इसे साड़ी पहनना नहीं आता इसीलिए? अरे साड़ी पहनना सीखना तो 2 घंटे का काम है, ये तो सीख लेगी, पर इसने जो पढ़ाई की है, जो डिग्रियां हासिल की हैं और जो डिग्रियां वो हासिल करने वाली है, वो 2 घंटों में तो क्या 2 साल में भी तुम लोग सीख सकते हो, बताओ? नहीं दादाजी। ये स्कूटर चलाती है? कृष्णा बहू, तुम्हें स्कूटर चलाना आता है? ओ नहीं दादाजी। ये कार चला लेती है, तुम में से किसी को कार चलाना आता है क्या? तो तुम लोग इस पर किस बात पर हंस रहे हो, टमाटर आलू प्याज रखने पर, साड़ी पहनने पर, जो 2 मिनट में सीख लिया जा सकता है? बहू चाहती तो ये सब पूछकर या दिखाकर तुम्हारा मजाक उड़ा सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये समझदार है, तो तुम लोग क्यों इसका मजाक उड़ाते रहते हो? सॉरी दादाजी। हमको हमारी मिस्टेक का एहसास हो गया है दादाजी। अल्लाह का शुक्र है, आज हमने एक सबक हासिल किया दादाजी। बहू शहरी हो या मोहल्ले की, हर बहू के अपने गुण होते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। बहू बनी ऑटो ड्राइवर। एक दिन हमारे मोहल्ले के दक्षिणा पांडे की बहू हमेशा की तरह ऑटो में बैठकर मंदिर जाती है। जब वो ऑटो से उतरती है तभी एक आदमी आकर ऑटो ड्राइवर से कहता है, पुराना मोहल्ला चलोगे? नहीं भाई, बहुत दूर है। अरे दूर है तो पैसे भी तो बहुत लेते हो, कोई फ्री में थोड़ी जाओगे। नहीं जाना बोला ना। अरे भैया काहे नहीं जाना, अभी तो तुम कह रहे थे तुमको पैसे की बहुत जरूरत है, अब लंबी सवारी मिल रही है तो नहीं जाना। अपनी मजबूरी है, अभी नहीं जा पाऊंगा और शायद 2-4 दिन अभी ऑटो भी नहीं चला पाऊंगा। काहे,
मैडम यहाँ नजदीक के हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं उसके बंदोबस्त के लिए इधर उधर भी पैसा अरेंज करने जा रहा है। अगर ये बात है तो लाओ ऑटो हमको दो, हम इन्हें पुराना मोहल्ला छोड़ाते हैं, जो पैसा मिलेगा लाकर तुम्हें हॉस्पिटल में दे देंगे। पर मैडम। अरे घबराओ मत, हम अपने कॉलेज में स्कूटर चैंपियन के 3-3 अवार्ड जीत चुके हैं। हटाओ ये देखो, चलो पुराना मोहल्ला छोड़ देते हैं। और बहू ले जाकर उसे पुराना मोहल्ला छोड़ देती है, उससे पैसे लेती है। अजब मोहल्ले की 2-3 औरतें ये देख लेती हैं। अब आप ये बात तो जानते ही हैं कि अगर औरतों ने देख लिया तो समझो पूरे मोहल्ले को पता चल गया। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने मोहल्ले में पहुँचते ही सबसे पहले जाकर ये बात उसकी सास मीरा पांडे को बताई। हाँ? क्या मीरा बहन, 2 रोटी कम खाओ मगर ऐसा अपनी बहू से रिक्शा चलवाती हो? छी 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 छी। हाँ, थोड़ी तो अपने घर परिवार खानदान मोहल्ले की इज्जत करो। पांडे जी का परिवार बड़ा स्वाभिमानी रहा है और बहू रिक्शा ड्राइवर। छी। वहाँ मोहल्ले की औरतों की बात सुनकर सास को गुस्सा आ रहा है, जबकि यहाँ बहू ऑटो लिए हॉस्पिटल पहुँचती है और बहुत सारे रुपए उस ऑटो ड्राइवर को देती है। पुराना मोहल्ला तक जाने का इतना सारा रुपया? अरे वहाँ से 4-5 चलक जगह की सवारी मिल गई, ये सब उसी की कमाई है। तुम बीवी का इलाज करवाओ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ऑटो से हम ही तुमको कमाई करके दे देंगे। पर मैडम आप काहे को? देखो 2 साल से तुम हमको रोज मंदिर ले आते हो, मोहल्ले तक छोड़ते हो, समझो ये उसी का पुण्य है जो हम तुमको लौटा रहे हैं। मैडम आप मंदिर जाने वाली बहू नहीं, आप सचमुच में मंदिर में रहने वाली देवी हो जो मेरी मदद कर रही है। शुक्रिया मैडम। बहू रुक जा वहीं। अरे क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ? पूरे शहर में ये पांडे खानदान की नाक रिक्शे तले कुचलती घूम रही है और हमसे पूछ रही है कि क्या हुआ। अरे नहीं सासू माँ, वो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बता मंदिर के बहाने तू कितने दिनों से ऑटो चला रही है? अरे क्या कह रही है सासू माँ, हम तो रोज मंदिर से ही घर आते थे। आज भी घर ही आई हो, जंगल में नहीं गई हो? खबरदार जो कल से मंदिर भी गई तो। ठीक है मंदिर नहीं जाएंगे, खुश। दूसरे दिन सवेरे बहू जैसे ही ऑटो की चाबी लेकर उंगली में घुमाती हुई बाहर की ओर जाने लगती है तो सास जोर से चिल्लाती है, ए बहू कहाँ जा रही है? हम तुझे कल मना किए थे ना, और तू भी तो हमको बोली थी कि आज से मंदिर नहीं जाएगी। मंदिर नहीं जा रहे हैं सासू माँ, देखिए कहाँ है मेरे हाथ में मंदिर की थाली। ये चाबी तो है। अरे ये तो ऑटो की है, हम आपसे मंदिर ना जाने की बात कहे थे, ऑटो चलाने का नहीं। यहाँ बहू ऑटो लेकर मोहल्ले में आगे बढ़ती है तभी देखती है कि बेबी चैटर्जी और बाकी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ स्कूल बस स्टॉप पर खड़े हैं। वो जाकर उनके पास ऑटो रोकती है। उसे देखकर औरतें हैरान हो जाती हैं। उड़ी बाबा, ये तो पांडे जी का बहू है। आई आई ओ, ये ऑटो ड्राइवर कब से बन गया? बेबी नॉटी डॉली कहाँ हुआ, तुम लोग यहाँ काहे खड़े हो? आंटी वो आज हमारा स्कूल बस नहीं आया ना, कब से वेट कर रहे हैं। और आएगी भी नहीं। क्यों दादाजी? अरे अभी अभी तुम्हारे स्कूल फोन किया था तो पता चला कि बस ड्राइवर अचानक छुट्टी पर गांव गया है, 1 महीने के बाद आएगा। दादाजी अब 1 महीने अब कैसे स्कूल जाएगा, दूसरी बस भी नहीं है। अरे तो फिकर काहे करते हो, तुम्हारी आंटी है ना, रोज तुम सभी को ऑटो से स्कूल छोड़ेगी और शाम को ले भी आएगी। चलो बैठो। अरे अरे बाबा संभल के, कहीं गिर गया तो? डोंट वरी विद्या भाभी जी, हम है ना सभी को सही सलामत लेकर जाएंगे। मोहल्ले के बच्चों और उनके पेरेंट्स को तो मजा आ जाता है, पर लीला की सास ये सब देखकर और भी गुस्से से भर उठती है। आने दे जरा हमारे बेटे को, ये बहू को घर से ना निकाल दिए तो हम भी
पांडे परिवार की सीनियर बहू नहीं। यही इस बात से अनजान बहू पूरे दिन की कमाई ले जाकर ड्राइवर को देती है। इलो। मैडम, आप मेरे लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। अरे कौनो मेहनत नहीं, आज से हमारे मोहल्ले के बच्चों को हम ही तुम्हारे ऑटो में स्कूल छोड़ेंगे और ले आएंगे। एक बंधी हुई रकम हमें भी मिल जाएगी। और फिर ये सब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए कर रहे हैं हम। जल्दी से जल्दी उसका बीमारी दूर हो जाए बस। हाँ मैडम, उसको फायदा हो रहा है। वो डॉक्टर लोग भी कह रहे थे कि एक दो हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ बहू उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। वहीं बहू के बारे में लोगों के मुंह से सुन सुनकर सास का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। धीरे धीरे एक महीना गुजर जाता है। अब मोहल्ले के अलग अलग लोग सास से अलग अलग तरह की बात करते हैं। आइयो मीरा आंटी, हम तो बोलता है बाऊ वो तो लीला जैसा, कितना मेहनत करता है, घर का भी काम करता है, घर के लिए ऑटो चलाकर कमाई भी करता है और चुप। घर के लिए कौनो कमाई नहीं करती, जो कमाती है अपनी ही गांठ में बांध कर रखती है। एक ही पैसा ना घर में वो देती है और ना ही हम मांगते हैं। हाँ तो वही। अरे घर की बहू की कमाई भी कोई खाता है क्या? आके भी बहू छे, छी मारी बहू होत तो अब तक उसका हिसाब करके मायके का टिकट भी पकड़ा देती। तुम चिंता मत करो, टिकट हम भी पकड़ाएंगे। कल बस हमारा बेटा आ जाए, इसकी विदाई समझो पक्की। अपने काम की धुन में लगी बहू ऑटो चलाकर ड्राइवर की मदद करके जैसे ही वो शाम को घर वापस आती है, पति को देखकर चौंक जाती है। अरे आप आ गए? हाँ, तुम्हारी नजर में तो हमको आना नहीं चाहिए था ना, और आते भी काहे, तुमको तो जरूरत है नहीं हमारी। ये आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं, लोग कह रहे हैं, अम्मा कह रही है, पूरा मोहल्ला कह रहा है, सारा शहर मजाक उड़ा रहा है हमारा। भैया बोल रहे हैं कि घर की बहू ऑटो ड्राइवर बन गई है, आदमी कमा रहा है, ससुर कमा रहा है, पर फिर भी मैडम एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑटो चला रही हैं। अरे नहीं, वो एक्स्ट्रा कमाई तो हम, अरे हमको कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारी वजह से ही एक महीना में माँ ने बहुत ही दुख उठाया है, समझी? आज अभी तुम अपना सारा सामान उठाओ, उसी ऑटो में डालो और चलती बनो अपने मायके, समझी? और अम्मा को प्रणाम कहना। ये आप क्या कर रहे हैं? मायके जाके हम क्या करेंगे? वही जो यहाँ कर रही हो, ऑटो तुम्हारे मायके में भी चलते हैं, जाकर अपने माँ बाप की नाक कटवाना, हमारी नहीं। अरे लीला बहू, अरे कहाँ हो भाई लीला बहू? ये यहाँ मरी खड़ी है। अरे ऐसा मत कहिए माँ जी, मरे इनके दुश्मन, ये क्यों मरे? इन्होंने तो एक मरती हुई औरत की जान बचाई है, वो भी अपनी मेहनत से। मेहनत से? ऐसे तो कौन सी मेहनत कर दी इस कलमुही ने? माँ जी, ये ऑटो ड्राइवर है, इसकी बीवी बहुत ही खतरनाक बीमारी से गुजर रही थी। अगर ये ऑटो चलाता तो उसकी देखभाल नहीं कर पाता। जब आपकी बहू को पता चला तो इसकी जगह वो ऑटो चलाने लगी, और पूरे दिन की कमाई इसकी बीवी के इलाज में लगाकर उसे मौत के मुंह से बचा लिया। का? हाँ, इसीलिए हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्ट ने इन्हें बेस्ट वॉलंटियर ऑफ द ईयर के तौर पर नवाजा है। सरकार की तरफ से इन्हें 50,000 की राशि भी इनाम में दी जा रही है। का? ये इस सेवा के लिए ऑटो चला रही थी, और लो हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। बहू, तूने अपनी सासू माँ को बताया क्यों नहीं? हमने तो हर बार बताने की कोशिश की दादाजी, पर ये बीच में ही हमारी बात काट कर हम पर गुस्सा हो जाती थी। ओह, हमको माफ कर दे बहू, हमसे गलती हो गया। हमें तो पता ही नहीं था कि आज के स्वार्थी जमाने में भी तू एक निस्वार्थ सेवा में लगी है। पर ई बात से आज एक सीख मिल गई है हमें कि किसी की भी पूरी बात सुने बिना उस पर इल्जाम लगाना, उससे लड़ना नहीं चाहिए। हो सकत है कि उसकी अधूरी बात सुनकर हम कोई बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हों,